हरवम बच्चे, मैं शेख शानिशा आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम वर्णमाला सीखने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, पूरे 13 स्वर होते हैं हिंदी में। 13 माने 13। हम एक बार पूरे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आज हम आ से री तक आने वाले अक्षरों को सीखेंगे। यहाँ आप चित्र भी देख सकते हैं, साथ में साथ शब्द भी। आ से अनार, आ से क्या बनता है? अनार। अनार माने क्या होता है? पोमोग्रेनेट। आ से अनार, अनार माने पोमोग्रेनेट। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आ से आम, आ से क्या बनता है? आम। आम माने मैंगो। आप आम को पसंद करते हैं ना? Do you like mango? Yes, everyone likes mango. आ से आम। दूसरा वाला स्लाइड में देखो, ई से इमली, ई से इमली। इमली माने टैमरिन। इमली माने क्या होता है? टैमरिन। ई से इमली। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ई से ईख, ई से ईख बनता है। ईख माने शुगर कैन। ईख माने क्या होता है? शुगर कैन। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू बनता है। उल्लू माने आउल। उल्लू माने क्या होता है? आउल। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट बनता है। ऊंट माने कैमल। ऊ से ऊंट। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, री से ऋषि। यह पहला अक्षर क्या है? री। आपको उच्चारण स्पष्ट से करना चाहिए, री। ये तो नॉट रू, यह है री। री से ऋषि बनता है। ऋषि माने कौन है? सेज। ऋषि माने सेज। और यहाँ देखो, दूसरा वाला स्लाइड में कुछ चित्र दिए गए हैं, साथ में साथ अक्षर। यहाँ चित्र कौन सा अक्षर से बनने वाला है हम पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। चित्र देखकर अक्षर के साथ मिलान कीजिए। मिलान माने आपको लगाना चाहिए यह कौन सा चित्र कौन सा अक्षर से बनने वाला। पहला देखो, आम। कौन सा चित्र दिया गया है इस स्लाइड में? आम दिया गया है। और दूसरा अनार। अनार माने क्या होता है? पोमोग्रेनेट। आम माने मैंगो। तीसरा वाला क्या है? इमली। इमली माने टैमरिन। और चौथा क्या है? उल्लू। उल्लू माने आउल। अब तो अक्षरों को देखिए, कौन सा अक्षर पहला आने वाला है? ई, और दूसरा आ, तीसरा ऊ, चौथा आ। अब तो लगा ही यहाँ आ से आम बनने वाला है, और आ से अनार, ई से इमली, ऊ से उल्लू। आप समझ गए ना? चित्रों के साथ अक्षरों को मिलाना चाहिए। और दूसरा वाला स्लाइड में देखो, यहाँ तो एक छोटी सी कविता दिया गया है, स्वर ज्ञान कविता। यहाँ हम आने वाले स्वरों से छोटी सी कविता बनाया गया है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए बच्चों, कौन सा अक्षर से कौन सा शब्द आएगा। मैं एक बार यह गीत को गाऊंगी, आप भी दोहराना चाहिए। आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, याद हो गए फलों के नाम, याद हो गए फलों के नाम। ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख, देता अक्षर हमें नई सीख, देता अक्षर हमें नई सीख। उसे उल्लू, उसे ऊन, उसे उल्लू, उसे ऊन, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे मजबूत, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे मजबूत।
री से ऋषि ज्ञानी बनकर, री से ऋषि ज्ञानी बनकर, जो है ज्ञानी सबसे बढ़कर, जो है ज्ञानी सबसे बढ़कर। जो आप सुन लिया ना यह कविता को, आपको भी दोहराना चाहिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।